गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। परम पूज्य एकम गुरु जी को मेरा प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। हर साल मई महीने के पहले मंगल को जागतिक दमा दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में जीना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इन्होंने की। पहली बार यह दिन 35 देशों ने मनाया। इसकी पहली मीटिंग बार्सिलोना में हुई थी, क्योंकि जग भर में 33 करोड़ से ज़्यादा लोग दमा से पीड़ित है और 4,90,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु दमा के कारण हुई है। तो दमा के बारे में हमें सजगता बढ़नी चाहिए। हर साल वह एक लक्ष्य लेकर आते हैं। इस समय उन्होंने बताया है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, जो दमा के बारे में गलत फहमियाँ हैं उनका निराकरण करें। कौन सी गलत फहमियाँ हैं ये? ऐसे सोचते हैं सब लोग कि दमा बचपन में ही होता है और जैसे उम्र बढ़ती है दमा अपने आप ठीक हो जाता है। जिनको दमा है उन्होंने व्यायाम नहीं करना चाहिए। दमा केवल स्टीरॉइड्स के उपयोग से ही ठीक होता है, कोई अन्य दवाई दमा के लिए नहीं है। दमा सांसर्गिक है और जिसको दमा है उससे बाकी लोगों ने दूर रहना चाहिए। तो यह गलत फहमियाँ हैं सभी। अभी जिनको दमा है उन्होंने क्या करना है? जो दवाइयाँ वो लोग ले रहे हैं वो अपनी जरूरत के अनुसार ले, अपना दमा के बारे में सजग रहे, अपना दमा का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में भी जागरूक रहे। अभी हम दमा यानी क्या ये समझ लेते हैं। दिन भर में 21,600 बार हम सांस प्रश्वास करते हैं। हमें पता भी नहीं लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कुछ समझता नहीं है। लेकिन जब यह सांस प्रश्वास लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है, घुटन सी महसूस होती है, तो दमा की बीमारी हो सकती है। दमा में क्या होता है? जो वायु मार्ग है वो है वायु मार्ग संकीर्ण हो जाते हैं, उनकी अंदर की दीवार को सूजन आती है और वायु मार्ग में कफ निर्माण होता है। ये तीनों के कारण हवा को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं रहती, क्योंकि वायु मार्ग पूर्णतः संकुचित हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं। और फिर इसके कारण खांसी आती है, सांस लेते वक्त घड़घड़ाहट होती है यानी ब्लीजिंग होता है, छाती में दर्द होता है। वायु मार्ग के स्नायु संकुचित होते हैं, वह स्नायु में ऐंठन युक्त जकड़न होती है जिसे ब्रोंकोस्पाज्म कहा जाता है। तो ये तीन बातें हैं, एक तो स्नायु में ऐंठन और जकड़न होना, दूसरा अंदर का जो म्यूकोसा है उसमें सूजन आना और कफ की निर्मिति होना। इसके कारण पर्याप्त प्राणवायु की मात्रा शरीर को मिलती नहीं है। लक्षण दमा कैसे हैं कि पूरी सांस नहीं भर सकते, चेस्ट में एक टाइटनेस आता है, दर्द होता है, नींद के बाद लेटने के बाद ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, घरघराहट भी बढ़ती है, खांसी भी बढ़ती है और सादा फ्लू सर्दी खांसी से दमा का बड़ा अटैक आता है। तो ये जो फेफड़ों का आजार है, फेफड़ों की बीमारी है, इसको समझ लेना
बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझो हमारा वायु कोश, हमने देखा कि उसका व्यास अगर हमने समझा 100% है, तो दमा जब होता है तो उसका व्यास 20% कम हो जाता है स्नायु की अकड़न, स्नायु संकुचित होने के कारण और म्यूकोसा को स्वेलिंग आने के कारण 20% व्यास कम हो जाता है। और जब दमा का अटैक आता है, इमरजेंसी आती है, तो यह कम होना व्यास का 50% तक भी जा सकता है, तो बहुत ही तकलीफ महसूस होती है उस वक्त। ये दमा की वजह क्या है, क्यों होता है दमा? अनुवंशिकता एक कारण है, एलर्जी और फिर मानसिक कारण भी दमा के लिए है। यह सिद्ध किया गया है कि दमा होने के लिए हमारा भावनिक असंतुलन भी कारणीभूत है। अनुवंशिकता के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो जीन्स मिले हैं मिले हैं। एलर्जी के लिए हम खबरदारी ले सकते हैं, किस चीज़ की एलर्जी है उससे हम दूर जाएं। तीसरी बात जो है मानसिक कारण, उसके लिए हम भावनाओं को दबाते हैं। कौन सी भावनाएं? द्वेष, क्रोध, नाराजगी, तिरस्कार, इनको दबाना। और फिर इसके लिए प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज जो है, एकाकीपन, स्नेह की लालसा, भावनिक संवेदनशीलता, अस्वीकृति का डर और झिझक, संकोच, ये भावनाएं मन में उद्दीपित हुई और इनको हम नियोजित नहीं कर पाए तो दमा का अटैक बार बार आ सकता है, आता है। तो जब हम दमा के बारे में सोचते हैं तो इसको महत्वपूर्ण समझकर अपने भावनाओं का नियोजन करना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं नहीं, मैं द्वेष नहीं करती हूँ, मुझे किसी का तिरस्कार नहीं आता है, ऐसे नहीं होता है। मुझ में ये भावना कहाँ है, इसका अभ्यास करना ये स्वाध्याय है। जो गलत बातें हैं वो खुद से निकाल देना, उसको पहले स्वीकार करना, हाँ मैं किसी का द्वेष करती हूँ, हाँ मुझे किसी का तिरस्कार होता है, मुझे स्नेह की लालसा है, फिर यह और संवेदनशील तो हूँ ही, यह समझ कर इसका निराकरण करना, इसका समायोजन करना बहुत आवश्यक है। एलर्जी के बारे में बोले तो डस्ट, स्पोर्स, पोलन, वेस्ट, कॉकरोच के या पेट के जो है उसमें से जो सूक्ष्म कण निकलते हैं, इनकी एलर्जी होना। अभी जो बिस्तर पे हम सोते हैं उसको साफ सुथरा रखना, बेडशीट को चेंज करना, उसको वैक्यूम करना, ये बहुत आवश्यक है। हवा में जो पोल्यूशन है उसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जैसा इन्फेक्शन हुआ तो दमा आ सकता है, हो सकता है जिनको दमा है उसका दमा का अटैक आ सकता है, ट्रिगर हो सकता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर हमने शारीरिक व्यायाम किया, ठंडी हवा, ऋतु का बदलाव और हवा में जो प्रदूषण है, जो धूलिकण है या धुआं है, स्मोक पार्टिकल्स है, उसके कारण भी दमा ट्रिगर होता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs, जैसे कि ब्रुफेन, कॉम्बिप्ना, नेप्रोक्सिन सोडियम, ये सारी दवाएं भी कुछ लोगों को एलर्जी की तरह काम करके दमा का अटैक ला सकती है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस, अभी तो सिचुएशन सब जगह स्ट्रेसफुल है, अनसर्टनिटी है, कब क्या है, किसी को अभी आज सोचते हैं हाँ ये स्वस्थ है, कल लाइन में आता है अरे इसकी तो मृत्यु की खबर आ गई, तो ये स्ट्रेस देने वाली बातें हैं। तो हमारे भावनाओं का नियोजन बहुत आवश्यक है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हवाबंद दबाबंद खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें, उसके कारण भी दमा एलर्जी हो सकती है। उनकी ड्राइड फ्रूट, श्रिम्प, प्रोसेस्ड फूड, वाइन या जैसे वेफर्स वगैरह हैं, उनके कारण भी ट्रिगर होता है दमा। फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स है, पेट के अंदर जो एसिड है वो कभी कभी ऊपर आता है, तो ये भी अगर गले में आए तो जलन होके इसके कारण भी दमा का अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अभी दमा क्या है ये तो हमने सोचा, योग क्या कर सकता है दमा के लिए?
अस्थमा के लिए योग बहुत कुछ कर सकता है। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि से काफी रोगों के ऊपर हमने काबू पाया है। दमा के ऊपर भी अगर मन की लगन है, विश्वास है, श्रद्धा है और मनोबल है कि हाँ योग करके मुझे ठीक होना है, तो फिर आप 100% ठीक हो सकते हैं। हमने कुटीर में तो कितनी केसेस देखे हैं कि जो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, इनको दमा था, ऐसे किसी को बोलने से सच भी नहीं लगेगा कि ये दमा वाला पेशेंट था, इसको इतनी सारी दवाई चली थी। तो अभी तो वो कितने साल, 50 साल भी उसके बाद जी ही रहे हैं अच्छी तरह से। तो क्या है ये योगा से क्या करना पड़ता है? तो शारीरिक शुद्धि क्रिया के जो षटकर्म दिए हैं, धोती में स्पेशली वस्त्र धोती का अभ्यास अपने गुरु के मार्गदर्शन के अंदर ही करना है, लेकिन उसके लाभ कल्पनातीत है ऐसे शास्त्र कहता है। सादी धोती, वाक धोती भी काम में आती है। नेति, त्राट, कपालभाती का यह अभ्यास षटकर्म करके। फिर आहार बहुत महत्वपूर्ण है। कफकारक आहार हमें नहीं लेना है, जैसे रात में दूध, दही, चावल, जिनसे कफ बढ़ता है ऐसे शास्त्र कहते हैं, वो हमें नहीं खाना है। आसन में सूक्ष्म व्यायाम, कंदरासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, गोमुखासन, जिनसे हमारे श्वसन मार्ग के स्नायु को अच्छे सुदृढ़ बनाने के लिए ये आसन काम में आते हैं। और फिर सर्वांग सुंदर व्यायाम जो है वो सूर्य नमस्कार, वो भी बहुत उपयुक्त है। कपालभाती, उज्जयी जैसे प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, मंत्र जप, पूर्ण शिथिलता पाने के लिए शवासन और मेडिटेशन आदि, अगर अभ्यास गया हमारा तो मेडिटेशन, यह सब अभ्यास हमें पूर्ण विश्वास और अपने मनोबल के साथ करना है। जैसे शरीर शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है, भावनाओं का नियोजन होता है, चित्त की शुद्धि होती है, हमारी लालसा ऐसाएं कम हो जाती है, तो फिर निरोगत्व प्राप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये जो नेति का अभ्यास है एलर्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हमारे ये जो नासिका मार्ग के पीछे जो पॉकेट्स है वहाँ पे सब साइनसेस ओपन अप होते, खुल जाते हैं, उनके मुखद्वार है, उधर द्वार है, तो उनकी सफाई नेति के अभ्यास से होती है। इस नासिका से जल डालना है, इस नासिका से बाहर आएगा, बाहर आते वक्त वो न केवल म्यूकस कफ बाहर आता है, लेकिन उसके साथ ही सूक्ष्म जंतु के एलर्जिक पार्टिकल्स जो अंदर वहाँ पर बैठे रहते हैं उनको भी बाहर निकालता है। कपालभाती के अभ्यास से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। नमन मुद्रा, योग मुद्रा के अभ्यास से वायु मार्ग जो है वो खुलने में मदद होती है। उज्जयी के अभ्यास से हमारी लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि अस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है जिसमें हम सांस ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं छोड़ सकते। उज्जयी का अभ्यास इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम पूरी मात्रा में सांस भरते हैं, पूरी मात्रा में सांस छोड़ते हैं और एक घर्षण के साथ। यह अभ्यास आज एक दिन करने से नहीं होगा, सातत्यपूर्ण लगन से रोज के लिए करना है। अभी थोड़ा सा हम यह देखते हैं कि जो COVID-19 का चल रहा है, ये महामारी का दौर, उसमें अस्थमा के पेशेंट को डर तो लगता ही होगा, ज़्यादा डर लगता होगा, ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगती होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, मास्क पहन रहे हैं, हाथ अच्छे से धो रहे हैं, तो ये जो एलर्जेंस है जो अदरवाइज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको भी अटका हो गया है। तो लाभ यह एक हो गया है दमा के मरीजों को कि उनके अंदर एलर्जेंस कम प्रमाण में जा रहे हैं। अब हम घर पे ही है, हमारा रूटीन सेटअप हुआ है, योग साधना करते हैं, तो उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को दमा के साथ कोविड हो गया है उनको तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा है। जिनको दमा नहीं था, क्या उनको कोविड के हो जाने के बाद दमा हो सकता है? कह नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है कोविड के वो हमारे 3 अवयवों पर होने वाले हैं, हमारे फेफड़े, हृदय और नली। एक अभ्यास में ऐसे पाया गया कि जिनको कोविड का संसर्ग हुआ और वो 1 हफ्ते में ठीक हो गए, ऐसे लोग में से
4% लोगों को लंग्स के ऊपर असर हुआ है, जिनको कालावधि 1 से 3 हफ्ता था, ज़्यादा मात्रा में बीमारी थी उनको 24%, और जो लोग 3 हफ्ते से ज़्यादा बीमार थे उनको 61% उनके लंग अफेक्ट होने की संभावना है। लंग अफेक्ट होते हैं यानी क्या होगा, लंग फाइब्रोसिस होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये जो साइटोकिन स्टॉर्म है या अन्य जो इम्यून मैकेनिज्म नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म की जो बातें हैं जिनके कारण सूजन आती है वायु मार्ग में, उससे लंग में जो है वो स्कार टिश्यू बढ़ता है, उसको लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। फिर कुछ विकार कोएगुलोपैथी के भी हैं, इनके कारण लंग फाइब्रोसिस कुछ लोगों को होने वाला है। अभी हम गए साल से देख रहे हैं, हम कोविड की बैच लेते हैं, उसमें इन लोगों को कपालभाति करने में भी दिक्कत होती थी, उच्चे करने में दिक्कत होती थी, लेकिन 1-1.5 महीने के निरंतर अभ्यास से इनकी क्षमता वापस आई है, और बाकी इन्होंने बाद में जो चेकअप किए हैं इसमें उनको कुछ ज़्यादा लंग्स की जो हम बोलते हैं कि फाइब्रोसिस हुआ या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुए वो कुछ नज़र में नहीं आए, बल्कि पहले से ज़्यादा इनकी प्रकृति स्वस्थ हुई है, ये 1 साल में हमने देखा है। इसके हार्ट के ऊपर भी असर होने वाले हैं, हार्ट के स्नायुओं को भी असर होने वाले हैं, कमज़ोर होने वाले हैं, और ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक है, एम्बोलिज्म है, गुलिनबारे सिंड्रोम है, सीजर्स है यानी आंकड़े आना, ऐसी बातें लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आ सकती है। अभी आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक साधक है हमारे पास गए 2 महीने से, उनका कोरार स्कोर 24 था आउट ऑफ 25 यानी नियर अबाउट 96%। लंग अफेक्ट था, वो वेंटिलेटर पे थे, 1 महीना हॉस्पिटल में थे, घर आए तो घर में भी उनको ऑक्सीजन दे रहे थे 24/7, ऑक्सीजन 4 लीटर्स पे चल रहा था। फिर किसी ने उनको कहा योग करो, उन्होंने योग तो कभी किया नहीं था, लेकिन अभ्यास करने लगे तो उनको रुचि उत्पन्न हुई और उनको श्वास प्रश्वास का महत्व समझ में आया। एक दिन क्लास में सुरवे सर आए थे और उन्होंने बोलते बोलते ये बोला कि हम सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए इसके लिए स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा खाना बनाना है तो खाना खाना है तो अच्छा खाना बनाना सीखते हैं, पैसों का नियोजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसों का नियोजन करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य है श्वास प्रश्वास उसका हम अभ्यास नहीं करते। यह वाक्य उनको कहीं तो क्लिक हो गया और उन्होंने तय किया मन में कि मैं इसका अभ्यास करूँगा। गए 2 महीने से हम 15 मिनट के लिए उनको श्वास प्रश्वास के अलग अलग अभ्यास देते हैं, कुछ अभ्यास रोजाना करवाते हैं जितना वो कर सकते हैं। धीरे धीरे उनकी सब दवाइयाँ बंद हो गई है, ऑक्सीजन भी अभी कभी कभी लगता है, उनको डर ज़्यादा है इसके लिए वो ऑक्सीजन चालू रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनका बिना ऑक्सीजन रहने का कालावधि मतलब एक्सटर्नली जो है वो बढ़ गया है। फिर हमने पहले दिन उनको चलाया, 3-4 मिनट चल पाए, ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 आ गया, डर गए। फिर हमने उनको श्वास प्रश्वास के साथ चलना सिखाया, आज वो 17 मिनट के लिए चलते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 से 92 आता है, लेकिन रुक जाने के ऊपर फिर से 96-97 आता है। सुबह 15-16 मिनट और शाम को 15-16 मिनट चलते हैं, योगाभ्यास करते हैं दिन समय 2 बार। अभी आगे का जो आएगा उनका सिटी स्कैन का रिपोर्ट वो हम देखने वाले हैं कि क्या असर हुआ, ये लगातार अभ्यास तो चालू ही रखेंगे। योग के कुछ सादे सादे श्वसन के प्रकार है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उच्चैः। इस अभ्यास से जो हो सकता है आगे चल के कोविड हो जाने के बाद हमें लंग फाइब्रोसिस हो, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ये सब हम रोक सकते हैं। सच्चे मायने में यह दमा दिन जो है जागतिक दमा दिन, इसको मनाने के लिए हम एक संकल्प करें कि योगाभ्यास करके हम हमारे फेफड़े सक्षम रखें, लास्ट सांस भी हम भरनी है
तो सक्षम फेफड़ों के साथ ही भरनी है। हमने दमा क्यों होता है, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, मानसिक कारण क्या होते हैं, अनुवांशिकता, एलर्जी, इन सब के बारे में जाना। बदली हुई जीवन शैली, आहार विहार, आचार विचार और योग की कुछ क्रियाओं का निरंतर अभ्यास से जिन लोगों ने दमा के ऊपर न केवल काबू पाया लेकिन अपने जीवन का स्तर भी ऊंचाया, ऐसे कुछ चंद अनुभव हम सुनते हैं। कुटीर में कई लोग आते हैं और दमा की व्याधि को सामान्य करके जाते हैं, ऐसे हमने देखा है। ये कुछ चंद लोग हैं, अपना अनुभव पेश कर रहे हैं। मी अनंत श्रीनिवास कुलकर्णी, माझा एज 80 वर्ष आहे। मी दम्याचे पेशंट होतो। गेले कित्येक वर्षापासून दम्याचे त्रास होत होता। इवन तरुण वयामध्ये सुद्धा मला दम्याचे त्रास खूप व्हायचं। मी डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेत होतो पण टेम्पररी रिलीफ वाटायचं। दिवसातून 3 गोळ्या घेत होतो पण बरं पाहिजे तेवढं बरं वाटत होतं। स्पेशली आकाशात ढग सुरू झाले की मला खूप त्रास व्हायचा, आणि स्पेशली पावसाळ्यात मला 4 महिने तर खूपच त्रास व्हायचा। तेव्हा वाटायचं जीव नको नको वाटायचं। मग मला समजलं आमच्या सोसायटीमध्ये श्री अंबिका एक कुटीर परमपूज निकम गुजर राहता, ते योगाने बरं करतात असं समजल्याबरोबर मी आणि माझ्या मिसेस दोघे जण आम्ही गेलो आणि तिथं जॉईन झालो। आणि गुरुजीनं सांगितलं, गुरुजी मला खूप त्रास होता दम्याचे, जीव नको नको वाटतं। गुरुजी म्हणाले, महाराज तुम्ही काय घाबरू नका, तुम्ही बरा व्हाल, तुम्ही आजपासून सुरुवात करा। मी तिथे जॉईन झालो, 3 महिन्याचे कोर्स कंप्लीट केलो आणि त्याच्यानंतर 3 महिना कोर्स केल्यानंतर 50% मला रिलीफ वाटले। गुरुजीनं सांगितलं मला 50% बरं वाटतं आता। मी म्हटलं, नाही महाराज तुम्ही प्राणायाम करा, प्राणायामही तुम्ही कंप्लीट बरं व्हाल। म्हणून मी प्राणायामचे कोर्स कंप्लीट केले। तिथे क्रिया प्राणायाम दोन्ही केल्यानंतर त्या पावसाळ्यात मला अजिबात त्रास झाला नाही। मग त्या पावसाळ्यात त्रास झाला नाही म्हणून मी गुरुजींना सांगितलं मला त्रास झाला नाही ह्या वेळेला। म्हणून तेव्हापासून आत्तापर्यंत गेले 30 ते 35 वर्ष झाले मला दम्याचे त्रास झाले नाही। मी दम्याची गोळी घेतले नाही आणि क्रिया आणि प्राणायाम नेहमी सातत्याने मी करत आहे। हरिओम हठयोगी निकम गुरुजी हागू माँ गायत्री को मेरा सादर प्रणाम। माई सेल्फ अनुपमा विवेक नायक। टुडे आई वांट टू टेल व्यूअर्स अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैंने अंबिका कुटीर मांडू वेस्ट ब्रांच में 2003 में ज्वाइन हुई थी। उससे पहला मुझे 4th स्टैंडर्ड से सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम था। एक बार अस्थमा का अटैक आया हुआ तो 3 दिन तक बेड में रहना पड़ता था, डॉक्टर को घर पर बुलाना पड़ता था, चलने के लिए नहीं होता था। वो स्टीरॉयड लेते थे, बाद में इंजेक्शन लेते थे, फिर भी 3 दिन तक तो वीजिंग साउंड रहता था। धीरे 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 3 दिन में कंट्रोल आता था। मंथली 2 बार तो इसका इफेक्ट हो ही जाता था। तभी मुझे मालूम ही नहीं था स्टीरॉयड का मतलब क्या है। स्टीरॉयड को तब हमेशा बैग में, स्कूल में बैग में रखना पड़ता था। एक टैबलेट कम नहीं है तो 2 टैबलेट 3, उस टाइम ही नहीं था, डोसेज ही नहीं था। बाद में मैंने हायर एजुकेशन के लिए गई कॉलेज में, BHMS भी मैंने कम्प्लीट किया डॉक्टरेट का, उसमें गई तो तभी मालूम पड़ा स्टीरॉयड का मतलब, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है करके। बाद में मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो उसमें भी मैं हॉस्पिटलाइज थी, 3 दिन एडमिट थी मैं, सीवियर प्रॉब्लम हुए तो डॉक्टर की वजह से कैसे भी मैंने नॉर्मल कर दिया। बाद में आफ्टर डिलीवरी के बाद वापस मैं मुंबई आई तो तभी फैमिली डॉक्टर का सजेशन की वजह से उन्होंने मुझे बोला अंबिका योग कुटीर में ज्वाइन होगा। तभी मैंने अंबिका योग कुटीर का त्रैमासिक बैच के लिए बांडू फेस्ट में ज्वाइन हो गई गीता हॉल में। अस्थमा का बैच में मैं ज्वाइन हो गया तो अस्थमा का किधर एक कितना शुद्धि क्रिया दिया, योगा दिया, सब मैंने कंटिन्यूस किया। उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। टोटल मेरा 17 ईयर्स का अस्थमा मुझे 1 साल में कम्प्लीट हो गया। अभी तक मुझे तब तक अस्थमा भूल गई, मैं अस्थमा का अटैक आया ही नहीं मैंने। तभी मैंने डिसाइड किया मैं पूरा सेवा करूँगी। तब से 2003 से लेकर 2021 18 ईयर्स मेरा कम्प्लीट हो गया, मैं सेवा दे रही हूँ। बीच में भी मुझे फंक्शन में गए तो स्लिप हो गए, मैं रोटेट होकर गिर गए तो मुझे ऊपर से नीचे तक गिर गए तो मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डल का प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला था कंटिन्यूस बेड डालना पड़ेगा, मुझे वो नहीं डालने का था। इसके लिए फिर भी मैंने 1 महीने तक डाला, बाद में मैंने स्टॉप किया। शुद्धि क्रिया और नेक का सब एक्सरसाइज सब रेगुलर कर रही हूँ। अभी भी मैं 1 घंटा
तक करती हो और सेवा भी देती हो, इसके लिए मुझे तभी तक अभी मैं आपके सामने हूँ। अस्थमा का तो मैंने भूल ही गई, इसके लिए मैं माँ गायत्री को प्रणाम करके मैं मेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा आगे भी मुझे ऐसे सेवा करने का, अभी ऑनलाइन में भी मैं सेवा दे रही हूँ, सेवा करने का आगे भी ताकत दे, मेरा जीवन का अंत तक करके ताकत दे करके मुझे ये करके मैं सबको विनती करके अंत करती हूँ। हरिओम। हरिओम। माय नेम इज डीबी कुंदरगी। आई एम ए योगा टीचर सर्विंग इन डोंबिवली ब्रांच ऑफ अंबिका योग कुटीर एंड ए रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम मुरुड कॉलेज ऑफ कॉमर्स। द ईयर वाज 1996 एंड आई यूज्ड टू हैव फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ अस्थमा। I was diagnosed with COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. It was such a horrible condition. I was unable to climb even 3 steps of the railway bridge because we had lectures at 7:15 in the morning. So I had to reach the college by 7 a.m. And this painful experience of not being able to climb the bridge made me come down, get into an auto, go to Dr. Joshi, our family physician's house, who used to administer Delphine injection early in the morning. Then after about half an hour, I was almost normal. And then I used to go to the college. This continued for several months. Dr. Joshi tried all his means. He took me to chest physician in Dombivli, asthma specialist in Dombivli. But all his efforts came to naught and ultimately he suggested that I learn pranayama. Fortunately, Mr. S.T. Punekar, our family friend and a close associate of Nikam Guruji, took me to Ambika Yoga Kutir, introduced me to Hatha Yogi Nikam Guruji. I was spellbound by his magnetic personality and metallic voice. In his typical way, he said, "Maharaj, I used to take almost 3 types of inhalers every 3 times a day." This was Dr. Jaywant, asthma specialist recommendation and prescription. Guruji said, "Maharaj, throw away all those inhalers. Have faith in me. And faith should always be 100%. Sola ana vishwas hona chahiye. You will forget asthma." Since that time till today, I have had no asthma attack. This is the silver jubilee year of my asthma free life and Guruji has given me a new life. I am always grateful to Hatha Yogi Nikam Guruji for this miraculous transformation in my life and will remain ever grateful. Ever since, I am with the Kutir doing seva, rendering service in whatever capacity Mr. Ramchand Surve, our captain, tells us, maybe writing articles or translating the books. This is how I spend my time. Once again, I pay my salutations to, offer my pranams to Hatha Yogi Nikam Guruji. Abhi humne jo anubhav sune, inhone yoga ke madhyam se dawa jaise vyadhi ke upar kabhi paakar शारीरिक मानसिक बल तो बढ़ाया ही, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भी ऊंचाई जीवन में पाई है। चलिए हम शांति पाठ करते हैं। असे तो मा शांति शांति शांति।